कमलेश तिवारी के संदिग्ध हथियारों के सायाहपुर में देखे जाने के बाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। मौजूदा हालात और त्योहार के चलते एसपी और डीएम ने भारी फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। दरअसल दीपावली के त्योहार और मौजूदा आतंकी गतिविधियों के हालातों के चलते सायाहपुर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखने या फिर संदिग्ध वस्तु के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। आपको बता दें कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्ध हत्यारे आज सायाहपुर में दिखाई दिए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि संदिग्ध सायाहपुर में ही मौजूद है और रात के अंधेरे में भागने के फिराक में है। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बता रहा है, तो वहीं पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रखते हुए पूरा क्षेत्र में पैदल गश्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जिले का पूरा पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के ऊपर नजर रखने के लिए। और जो भीड़ भाड़ मार्केट है और जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ चेकिंग करने के लिए सबको बता दिया गया है।